हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो के ब्लॉग में। दोस्तों मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको लेके आया हूं मिर्जापुर जिला के चुनार में, जो कि आज मैं आपको चुनार फोर्ट का पूरा विवरण बताने वाला हूं और उसका सैर कराने वाला हूं। तो अभी हम लोग फिलहाल चुनार के फर्स्ट गेट पे हैं, जो कि अभी के समय में खुला है। इसके दो गेट हैं, एक पीछे तहत है, एक आगे है, ठीक है। दोनों गेट का आपको मैं दिखाऊंगा। तो पहले गेट से आप जब एंट्री मारते हैं तभी आपको एक देखिए बहुत ही बढ़िया सुंदर दृश्य और एक महल मिल जाता है, जो कि अभी बंद पड़ा है, लेकिन उसकी नकाशी की बात करें तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। और इस साइड से जो ये सड़क जाती है उस तरफ, अभी उधर बंद किया गया है प्रशासन द्वारा, क्योंकि उधर हो सकता है खंडहर बन चुका हो। अभी फिलहाल जब आप अंदर हेलते हो तो दो पोल आपको मिल जाते हैं, जो कि फोर्ट के एंट्री गेट हैं। इसके अंदर आप सीढ़ी चढ़ के जब जाते हैं, उसके बाद आपको अंदर जाने के बाद आपको दो तरफ के रास्ते मिल जाते हैं। एक तरफ उस तरफ जहाँ पे सोनवा रानी का मंडप और भर्तृहरिनाथ का मंदिर है। अभी आप सामने जब आते हैं तो ऊपर से आप गंगा जी का पूरा व्यू ले सकते हैं, जिसे सेल्फी पॉइंट भी बोला जाता है। यहाँ से लोग अब सेल्फी लेते हैं, पहले के यहाँ से पहरा वहरा होता होगा, देखते होंगे लोग। यहाँ पे लोग देखिए कुछ फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। उसके बाद इधर से हम लोग चलते हैं, पहले आपको मंडप दिखा देते हैं घुमा के। आप ये एंट्री मारेंगे तो अभी भी एक बात है, चुनार किला बहुत ही सेफ्टी और बहुत ही बढ़िया तरीके से बचा है। ऐसे तो सभी किलाएँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उस हिसाब से ये बहुत सेफ्टी है अभी, ठीक है। ऐसे तो इस किले पे बहुत से राजाओं ने राज किया है, लेकिन बताया जाता है कि विक्रमादित्य के द्वारा इसे दोबारा निर्मित किया गया था, और इस पे शासन करने वाले पृथ्वीराज, अकबर, शेरशाह सूरी और बहुत सारे मुगल भी इस पे शासन कर चुके हैं। उसके बाद अंग्रेजों के शासन में आ गया था। आप एक देख सकते हैं, ये जो आपको मैं जाली दिखा रहा हूँ, ये नीचे भी इसके कई कमरा जो दफन कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया था कि कई लोग जाते हैं भूल जाते हैं उसमें, उसके नीचे के नीचे कई कमरा है। आप देख सकते हैं ध्यान से, कैमरा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। इसको जाली से पैक कर दिया गया, कई बच्चे जाके अंदर भूल जाते हैं तो उसको खोजने में दिक्कत है। और ये जो जाली जाली आपको दिखाई दे रहा है, ये रोशन दान के लिए पहले के ज़माने के लोग उपयोग करते थे, पहले का भैया वैज्ञानिक है, ठीक है। तो एक बात है कि किले के अंदर भी जितना आप ऊपर कमरा देख रहे हो उससे कहीं ज़्यादा नीचे है, ठीक है। अब पहले एक बार मैं और आया था तो ये सब खुला था, लेकिन अब ये सब कुछ बंद कर दिया गया, क्योंकि पहले यहाँ पे प्रशासन रहता था बहुत कम है। अब ये जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए सोनवा रानी का मंडप वही है जिसे बनाया गया था शादी विवाह के लिए, लेकिन इसमें शादी विवाह हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये आज भी उसी तरीके का है, आप इसका देख सकते हैं स्ट्रक्चर, आपको चारों तरफ से घुमा दे रहे हैं। ऊपर आपको जो देख रहे हैं आप नकाशी, वो सारा कुछ लकड़ी का है, और डिजाइन आप देख लीजिए। आज भी अगर लोग पत्थर और लकड़ी पे कोशिश करें बिना मशीन के तो नहीं बना सकते हैं। पहले के ये सब इंजीनियर जो भी थे, जो भी मिस्त्री आप बोल सकते हो अपने भाषा में, उनका देन है कि आज भी ये बिना छड़ और सीमेंट के किले खड़ी हुई है, ठीक है। अंदर से आपको कुछ इस तरीके का लुक है। ये चारों ओर से मैं जो घुमा कर आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये मंडप का सीन है, ठीक है। अभी बहुत सारा अंधेरा है, कई लड़के इसमें आवाज़ भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से, ये ऊपर की नकाशी है, अंधेरा होने के कारण नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले के हम लोगों के कितने बढ़िया कलाकार होते थे, जो कि पत्थर में भी जान डाल देते थे। ये देखिए किस तरीके से, अभी जो आप ये देख रहे हैं ये चुनार किले का जेल है, जो कि पहले का बैरक जेल होता था, कैदियों को जेल में रखा जाता है था। तो आपको अंदर से मैं दिखा दे रहा हूँ जूम करके, ये बहुत बड़ा जेल है, बहुत लंबा चौड़ा है, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने भी यूज किया कैदियों को और रखने के लिए। और बाकी आप सामने जो झंडा दिखाई दे रहे हैं, वो भर्तृहरिनाथ का मंदिर है, जो कि इसी में उनका समाधि अभी भी है। तो यहीं पे लोग अपना आते हैं, अपना आस्था लेके आते हैं, पूजा पाठ अपना जो भी करते होंगे करते हैं, ठीक है। आपको चारों तरफ से मैं एक बार पूरा सीन दिखा दे रहा हूँ। इसमें मंदिर है, मंदिर के अंदर अपना भर्तृहरिनाथ का समाधि है। बाकी उस तरफ भी देखिए थोड़ा सा कुछ जेलें हैं इस तरफ से। अब चलते हैं हम लोग कुएँ की तरफ, जो कि बहुत बड़ा कुआँ है यहाँ पे, जो कि ये जो राजाओं की रानियाँ होती थी, पहले कुओं में ही सीढ़ी बना दिया जाता था कि अंदर तक पानी में चली जाएं। तो अभी उसी को देखने के लिए लोग भीड़ लगाए हैं, तो चलिए आपको उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले तो गुरु यहाँ पे बहुत सफाई होता था, लेकिन अभी देख रहे हैं कुएं में भी बहुत सारा कचरा फेंक दिया गया। आप देखो बोतल वोतल सब फेंक दिया गया, लेकिन आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो जो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है दरवाजे की तरह, वो दरवाज़ा है, उसी सीढ़ी के पीछे दिया गया है एक सीढ़ी का सीन, जो आपको मैं दिखा दूंगा। उससे आप आओगे तो घुमा के सीढ़ी से एकदम पानी तक आप जा सकते हो। आप देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है नीचे से यहाँ पे,
वहीं से आप डायरेक्ट एकदम पानी तक आ सकते हो। ठीक है, इस किले में घूमने लायक तो किला में कई जगह ही है। ये देखिए वो पुल है जो चुनार को बनारस से जोड़ता है, गंगा जी के घाट पे बना हुआ है। बाकी वो जो नीचे का सीन आप देख रहे थे वहीं पे फांसी घर भी है, जो कि वहाँ पे जाने के लिए रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बाकी कुछ यहाँ पे अच्छी तस्वीरें हैं जो कि हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, ये घर देखिए पूरा सेफ्टी बचा हुआ है, पहले का बनवाया है। लेकिन आप देख सकते हैं पहले के मकान में अभी तक लकड़ी देखिए लगा हुआ है, जो कि कितने सालों वर्षों का पुराना है, अभी तक लकड़ी लगा हुआ है। बाकी ये जो जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे फांसी घर था, जो कि अब वहाँ पे जाने के लिए रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। वैसे तो चुनार किला पे कई जगहों से देखा जाता है, चंद्रकांता कहानी भी लोग जोड़ते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग सुनवा रानी के हिसाब से जोड़ते हैं। ऐसे तो इसको हिंदू शासकों का केंद्र माना जाता था, लेकिन इस पर कई मुगलों ने भी शासन किया हुआ है। बाकी आप इधर से देख सकते हैं, कुछ लोग इधर से अपना नज़ारा का एंजॉय कर रहे हैं। बाकी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, यही कुआं का दरवाज़ा है, जो कि कुआं में अंदर जाता था। इस भय मैं गया था करीब 6-7 साल पहले, जब आया था तो ये चालू था, जब यहाँ पर PSC वाले ट्रेनिंग सेंटर था तो वो लोग सब कुछ बढ़िया से रखते थे। अभी यहाँ प्रशासन बंद हो गया है तो यहाँ पर बहुत सारी रास्ताएँ बंद कर दी गई है, क्योंकि भाई लोग भूल जाते हैं। तो चलिए आपको अभी पीछे वाले दरवाजे पर हम लोग आ गए हैं। ये पीछे वाला दरवाज़ा है जो कि आप देख सकते हैं, ये भी एकदम बंद पड़ा हुआ है, और पीछे वाले दरवाजों का हाल तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि सरकार इस पर थोड़ा सा तो ध्यान दिलवाना चाहिए था, क्योंकि सफाई उफाई का तो आप देख सकते हो, और कहाँ कहाँ सफाई गवर्नमेंट भी ध्यान दे, क्योंकि बहुत सारी किलाएँ हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पीछे का भी हाल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। नए चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।